Hello and assalamu alaikum listeners and viewers. This is me, your host Fahad Younes, और शो है मेरी कहानी। और जनाब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरी कहानी शो में हम हर एपिसोड में पाकिस्तान समेत दुनिया भर से ताल्लुक रखने वाले बहुत सारी ऐसी सेलिब्रिटीज में से किसी एक सेलिब्रिटी को दावत देते हैं कि जो माशाल्लाह अपनी राहों में तो जो है वो कामयाबी की राह पर गामजन है, लेकिन और बहुत सारे लोगों के लिए वो मोटिवेशन बायस हैं और उनकी कहानी जो है वो और बहुत सारे लोगों के लिए मोटिवेशन का बायस बनती है। तो हमारी कोशिश रही है कि हम हर शोबा है ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अपने मेहमानों को अपने इस शो मेरी कहानी में लेकर आएँ। तो जनाब इसी तरह से आज भी हमने अपने एक बहुत ही ख़ास और मुअज़्ज़ज़ मेहमान को अपने साथ इनवाइट किया है लाइव स्टूडियोज़ में। आप हमारे साथ लाइव हैं सैयद उमैर अहमद साहब कराची पाकिस्तान से, और थोड़ा सा मैं आपके बारे में बताता चलता हूँ कि सैयद उमैर अहमद साहब जो है वो सुपरटेक फाउंडेशन में सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जितने भी काम हैं और जो उनकी सॉफ्टवेयर वर्ल्ड से रिलेटेड टीम है उसको लीड कर रहे हैं, और आप सीनियर वेब डेवलपर भी हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपने अपने पास में भी की और माशाल्लाह आप भी जो है वो अच्छे लेवल पर काम कर रही हैं। तो आज के इस शो में हम लोग आपकी कहानी जानेंगे, आपके पीछे छुपे उमैर की कहानी हम सुनेंगे, और उसके बाद आपके मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स और आपके जो है फ्यूचर प्लान्स के हवाले से भी हम लोग गुफ्तगू करेंगे। तो उमैर भाई हमारे साथ लाइव हैं कराची से। उमैर भाई मोस्ट वेलकम इन आवर स्टूडियोज़। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? अस्सलाम फहद, कैसे हैं आप? सुने खैरियत से हैं? जी मैं ठीक हूँ। मेरे भाई बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे शो के लिए टाइम निकाला। मेरे भाई बहुत सारे सुनने और देखने वाले जानना चाहेंगे कि उमैर अहमद जो है कौन है माशाल्लाह, कहाँ से आपकी कहानी शुरू हुई और अब तक आप कहाँ पहुँचे हैं माशाल्लाह। जैसे कि मेरा नाम तो फहद भाई ने बता दिया है, उमैर अहमद मेरा नाम है, और सुपर टेक्नोलॉजीज में से मैंने अपना एक तरह से करियर स्टार्ट किया है वेब डेवलपमेंट का। मैंने पैट्रिक किया सबसे पहले, उसके बाद फिर जो है मैंने ग्रेजुएशन किया है, उसके बाद फिर जो है फर्स्ट जॉब मैंने की जो है वो थी हमारी एचआर के अंदर। उसके अंदर वो बेसिकली फर्स्ट जॉब थी वो एचआर, उसके बाद जो है मैंने उस मेरी कुछ फील्ड ऐसी थी एज ए रिक्रूटर में काम करता था वहाँ पे, तो मुझे डिफरेंट तरह के लोगों से मिलने का मौका मिल जाता था जो कि डिफरेंट फील्ड से होते थे, क्योंकि बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी और उसके अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स थे। आईटी के अंदर भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स थे, सब सेक्शंस थे, और जो है एचआर के अंदर भी और सिर्फ मार्केटिंग या, तो मुझे तकरीबन हर फील्ड को एक्सप्लोर करने का मौका मिला, क्योंकि एज बीइंग अ रिक्रूटर मैं सबसे मिलता था बहुत सारे उन तमाम लोगों की जो है जॉब डिस्क्रिप्शन और उन तमाम लोगों से मिलना, तो ये करता था। तो मैंने फिर उस वक्त अपने आप को उसके अंदर एक्सप्लोर किया मेरे लिए क्या बेस्ट हो सकता है, क्योंकि ये तो मेरी फर्स्ट जॉब हो सकता है, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर जी कोई करियर काउंसलिंग नहीं है, ठीक है ना, कोई ऐसी काउंसलिंग नहीं है कि जी बच्चे को उस का पोटेंशियल जब वो ग्रो कर रहा हो अपना, और जब वो एजुकेशन ले रहा होता है तो उस टाइम पे उसका जो पोटेंशियल निकाल के उसको उस लिहाज से एजुकेशन दी जाए, इस लिहाज से ट्रेन किया जाए कि वो अपने सही रास्ते पे निकल के उसमें एक्सेल कर सके, ठीक है। तो फिर यही होता है कि आगे जॉब पे लगता है तो वह अपने आप को ढूंढता है, अपनी कुछ जगह ढूंढता है, क्या मेरी कौन सी मेरी क्या जगह होनी चाहिए, मैं किस जगह फिट होना चाहता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो प्लेटफॉर्म मेरे लिए बहुत ज़बरदस्त था, वहाँ पे मुझे बहुत सारे फ्लेवर्स मिले, देखने की क्या 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 चीज़ें होती, तो उसमें मुझे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की एक फील्ड नज़र आई, समझ में आया कि हाँ ये है कुछ जो कि मैं कर सकता हूँ, जो कि जिसका मेरा इंटरेस्ट है कंप्यूटर्स के अंदर। तो उसके बाद वो मैंने क्विट करके अपनी एजुकेशन कंप्लीट करी, मास्टर्स किया मैंने कंप्यूटर साइंस में, उसके बाद फिर मैंने अपनी फर्स्ट जॉब फिर मैंने यहाँ पे पूरी सुपर टेक्नोलॉजीज मैंने ज्वाइन की। 2013 में मैंने सुपर टेक्नोलॉजी ज्वाइन की थी एज एन इंटर्न ही। आज 2016 में सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेब डेवलपर हूँ, और मैं इंटर 3-4 लोग हैं, 5 लोग हैं जिनको मैं लीड भी कर रहा होता हूँ, मेरे साथ काम करते हैं, हम एज ए टीम काम करते हैं। तो सुपर टेक्नोलॉजीज की जितने प्रोडक्ट्स हैं और जितनी भी चीज़ें हैं उन तमाम चीज़ों को मैं देखता हूँ, और तमाम उसकी जो भी मामला होते हैं प्रोडक्ट्स से रिलेटेड, क्या वो टेक्निकल साइड पर वो तमाम चीज़ें मैं देखता हूँ उसको,
जो है लीड करता हूँ और अभी ऑनगोइंग ये चल रहा है फिलहाल। सही, माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त उमर भाई ने आपने बड़े मुख्तसर और जामे अंदाज में अपनी कहानी बयान कर दी। हम लोग जानना ये चाहेंगे कि सुपर टेक का, जैसे आपने जिक्र किया कि इस वक्त जो है वो आप सुपर टेक में एक अच्छी टीम को भी लीड कर रहे हैं और डिफरेंट प्रोडक्ट्स के हवाले से भी आप बता रहे हैं, यकीनन हमारे सुनने और देखने वाले भी जानना चाहेंगे कि कौन से ऐसी प्रोडक्ट्स हैं मौजूदा आपकी या किस तरह की सर्विसेज जो है वो आपका डिपार्टमेंट देता है, थोड़ा इस बारे में बताइएगा। फायद हमारी जो कोर सर्विस हैं सुपर टेक्नोलॉजीज की वो है, उनमें से एक जो सबसे बड़ी प्रोडक्ट है TIDX है, ठीक है। DID स्पेसिकली एक होलसेल प्लेटफॉर्म है DID नंबर्स का, ठीक है। अब DID नंबर्स क्या होते हैं? DID नंबर्स बेसिकली डायरेक्ट इनवर्ट डायलिंग, ये इसकी फुल फॉर्म है। ये नंबर्स होते हैं जो कि इंटरनेट बेस्ड, इंटरनेट पे चलते हैं, इंटरनेट बेस काम करते हैं। एक बहुत लिए मैं अंदाजे में बता रहा हूँ ताकि हर आम इंसान भी इस चीज़ को समझ सके। ये वो नंबर्स होते हैं, वो टेलीफोन नंबर्स होते हैं जो कि इंटरनेट के नेटवर्क पे चलते हैं, ठीक है। और काम बिल्कुल उसी तरह करते हैं जिसने जिस तरह से GSM नेटवर्क पे चलने वाले नंबर्स काम करते हैं, जैसे हमारे PTCL नंबर है, आपका मेरा मोबाइल नंबर है, जिस तरह का वो काम करता है, जो फंक्शनैलिटी उसकी है वही फंक्शनैलिटी उनकी भी होती है, बल्कि कुछ उससे ज़्यादा भी होती है इसके अंदर, ठीक है। तो ये है, अब उसके अंदर ये होता है कि अगर हम GSM नेटवर्क की बात करते हैं उसके ऊपर जो नंबर चलता है यूफोन है, ठीक है ना। यूफोन वाले के जितने बड़े बड़े सेटअप्स हैं वो सही है, उनका एक PTCL वाला कितने बड़े बड़े एक्सचेंज है, इसके अंदर कोई एक्सचेंज ये पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर बेस्ड होता है, ठीक है। तो ये एक हमारे उसमें हमारी DIDX एक प्रोडक्ट है जिसमें हम लोग इन नंबर्स को होलसेल करते हैं, ठीक। एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, यहाँ से हम लोग जो होलसेल करते हैं। इसी तरह से वर्चुअल फोन लाइन एक हमारी प्रोडक्ट है, ठीक है। ये हम लोग यहाँ से रिटेल करते हैं, डिफरेंट सर्विसेज देते हैं, फॉरवर्डिंग सर्विस देते हैं नंबर्स के, वो जैसे PSTN फॉरवर्डिंग हो गई, स्काइप कॉलिंग, स्काइप फॉरवर्डिंग हो गई, सही ऐसे फॉरवर्डिंग हो गई, तो हम ये तमाम चीज़ें वहाँ देते हैं, वर्चुअल फोन लाइन से देते हैं, ठीक है। वो रिटेल हम लोग करते हैं, वही चीज़ हम लोग जो है होलसेल करते हैं DIDX के ऊपर। DIDX हमारा बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और हमारा और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे कंट्रीज के हमारे पास नंबर्स अवेलेबल हैं DIDX के ऊपर, और एक बहुत एक रिनाउंड कंपनी है। सही सही, ठीक हो गया, गुड हो गया, माशाल्लाह। तो उमैर अहमद भाई, थोड़ा सा ये बताइएगा कि जिस तरह से आपने सर्विसेज की बात की, कुछ थोड़ा इस चीज़ के इम्पैक्ट के बारे में बताइएगा, किस तरह से आम लोग इससे फ़ायदा ले रहे हैं या इंटरनेशनली किस तरह से लोग इस सर्विस से फ़ायदा ले रहे हैं, और अगर और लोग आपसे कांटेक्ट करना चाहें तो वो किस तरह से आप तक पहुँचे। बेसिकली ये जो हमारी प्रोडक्ट है, हम लोग इसको, ये जो हम लोग हमारे जो बेसिकली कोर मार्केट है वो UK, USA, कनाडा है। हम लोग पाकिस्तान में अपनी चीज़ें नहीं बेचते हैं, जो अपने नंबर्स होते हैं हम लोग पाकिस्तान में नहीं बेचते हैं, UK, USA जो है बेसिकली कनाडा है, ठीक है। तो ये चीज़ें वहाँ ज़्यादा चलती हैं, वहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा कॉल सेंटर्स होते हैं, US बेस्ड कॉल सेंटर्स होते हैं, ठीक है, वो लोग परचेज करते हैं। और ख़ास तौर पे जो कॉलिंग कार्ड्स होते हैं जो कि यहाँ पे किसी ज़माने में चला करते थे, वो कॉलिंग कार्ड अभी भी चलते हैं UK में ख़ास तौर पे, और USA में जो कि स्टूडेंट्स गए हुए होते हैं, ठीक है, वो लोग ख़रीदते हैं और वो लोग यूज़ करते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स जो हैं वो ख़रीदते हैं क्योंकि नंबर्स, ये नंबर थोड़े सस्ते होते हैं, ठीक है ना। और इंटरनेट की अवेलेबिलिटी USA में, यूरोप कंट्रीज में और USA में बहुत आराम है, चीप इंटरनेट है और बहुत अच्छा है, ठीक है, वॉइस बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा है, तो वॉइस कॉलिंग बहुत आराम से रहती है, उसमें डिस्टॉर्शन है। तो बेसिकली हमारी मार्केट इस तरह से, हाँ ये कि वर्चुअल फोन लाइन के ऊपर जो हम लोग सर्विसेज देते हैं वो बेसिकली फॉरवर्डिंग सर्विस होती है, उसमें होता है कि आप अपना नंबर जो है एक नंबर परचेज कर लीजिए, फर्स्ट करेंगे आपने अमेरिका का एक नंबर परचेस कर लिया, आपके ख्याल हम अमेरिका में रहते हैं, ठीक है ना, आपने अमेरिका का नंबर परचेस कर लिया, अब आप जो है उस नंबर के ऊपर कॉल, वो जब भी कॉल करें उस नंबर पे, उस पर आप फॉरवर्डिंग लगा दीजिए, वो आपको कॉल आपके मोबाइल पे रिसीव हो जाएगी, ठीक है ना। फॉरवर्डिंग आपने अपने PSTN करने पर जो लोकल मोबाइल होता है उसके बाद आपने फॉरवर्डिंग लगा दी, वो कॉल इस नंबर पर आएगी, वहाँ से राउट होगी आपके मोबाइल पर आ जाएगी, ठीक है। तो ये डिफरेंट चीज़ें होती हैं, तो कि जो कॉल करने वाला होता है उसको थोड़ी कम चार्जेस पड़ते हैं, ठीक है, एज कम्पेयर टू अगर वो अमेरिका से पाकिस्तान या सऊदी से पाकिस्तान कॉल कर रहा है,
ठीक है, तो उसको अगर डबल चार्जेस पड़ रहे हैं तो उसको अगर कम कर दिया जाए ताकि आप भी कुछ बर्दाश्त कर लें, वो उसको भी कुछ बर्दाश्त थोड़ा कम पड़े, तो ये कि सऊदी से सऊदी के नंबर पे कॉल करी, वहाँ से फिर आपके पाकिस्तान में आपकी PSTN पे कॉल आ गई। तो ये डिफरेंट है, ये सर्विसेज हैं ठीक हो गया। अच्छा मैं भी ये जितनी भी आपकी सर्विसेज हैं या प्रोडक्ट्स हैं, यकीनन प्लेटफॉर्म जैसे कि आपने बताया DAX है और भी आपके प्लेटफॉर्म्स हैं, तो कौन से ऐसे ज़राए हैं, URLs हैं, वेबसाइट्स हैं आपकी कि जहाँ जाकर लोग देख सकते हैं, जो है वो पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं या आप लोगों से रब्ता कर सकते हैं? बेसिकली ये हमारी वेबसाइट, अगर आपको एक एक जगह तमाम चीज़ें देखनी हो तो हमारी वेबसाइट है supertech.com/products, ठीक है ना। इसमें हमारी तमाम प्रोडक्ट्स मेंशन है जो कि मैनेजमेंट सिस्टम से भी रिलेटेड हैं और टेलीकॉम से भी रिलेटेड हैं। टेलीकॉम से रिलेटेड हमारी अच्छी खासी प्रोडक्ट्स हैं जिसमें DIDX है और वर्चुअल है, सुपरफोन है, इंटरनेट है, ठीक है। और इसके अलावा मैनेजमेंट सिस्टम्स के अंदर भी हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें, स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम है, हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम है, होटल मैनेजमेंट सिस्टम है, ये तमाम चीज़ें हैं जो कि हम देते हैं, सर्विसेज देते हैं। तो आप लोग उसको जरूर चेक कीजिएगा, ये तमाम चीज़ें देखिएगा। सही, ठीक हो गया। अच्छा मैं भी, जो लोग आपको फॉलो करना चाहें फेसबुक पर या आपसे कॉन्टेक्ट करना चाहें ईमेल पर या ट्विटर पर आपको फॉलो करना चाहें, तो आपके कौन से सोशल रबते के ज़रिए हैं वो भी शेयर कीजिएगा। उमैर अहमद के नाम से हूँ मैं फेसबुक पे, और अगर थोड़े इसके लिए बता दूँ, उमैर अहमद और ब्रैकेट में DIDX वाला लिखा हुआ होगा, और उसमें जो है मेरी फोटो लगी हुई है, ठीक है, और बैकग्राउंड में जो है DIDX का एक लोगो लगा हुआ है उसके अंदर, ये है निशानी। सही, ठीक हो गया। अच्छा मेहर भाई, हम लोग जो है वो अपने मौजूद हमारे जो मेहमान होते हैं उनसे अपने ऑडियंस के लिए भी मैसेज लेते होते हैं, आप हमारे सुनने या देखने वालों को कोई मैसेज देना चाहें, कुछ खास शेयर करना चाहें उनसे? एक छोटी सी चीज़ शेयर करना चाहूँगा उन लोगों से, खास तौर पे वो व्यूअर्स जो कि इस वक्त बिल्कुल अपने स्टार्टिंग में है और जो है करियर स्टार्ट कर रहे हैं अपना और अपनी एजुकेशन सब कर रहे हैं, जैसे जैसे इंटर है, इंटर से ऊपर वाले इसमें, कि जो भी फील्ड चूज करें उसको आजकल उसको देख दिखा के, ठीक है, अपने बड़ों से और अपने सीनियर्स से कंसल्ट करके अपनी ज़िंदगी में जो भी आगे अपनी फील्ड चूज़ करें, खासतौर पे एजुकेशन लेवल अपना कोई ना कोई मेंटर बनाए लाजमी जो कि आपको आपके बारे में बताए, अपना पोटेंशियल आपको आपको पोटेंशियल निकाल के दिखाएं, ठीक है। वरना थोड़ी प्रॉब्लम होती है, ठीक है, कि बालोकत ऐसा होता है कि लोग बहुत से कहते हैं यार हम इतनी मेहनत करते हैं हमको कामयाबी हासिल नहीं होती, ठीक है, मेहनत करते हैं कामयाबी हासिल नहीं होती, उसकी वजह जहाँ तक मैं देखता हूँ नजर आती है वो ये है कि आप शायद मेहनत तो कर रहे होते हैं लेकिन जहाँ मेहनत करनी चाहिए वहाँ मेहनत नहीं कर रहे हो, ठीक है। इसकी वजह कि आपने कभी अपने अंदर झांक के नहीं देखा कि यार आपका पोटेंशियल, मेरा पोटेंशियल या आपका पोटेंशियल है किधर, ठीक है। हो सकता है कि आप बहुत अच्छे फैशन डिजाइनर हो, ठीक है, लेकिन आप काम कर रहे हैं अकाउंट्स की फील्ड के अंदर, ठीक है। तो आप एक अच्छा फैशन डिजाइनर अकाउंट्स की फील्ड में किस तरह काम कर सकता है, ठीक है। या एक किसी ने कहा कि भाई मैं तो अपने बच्चे को डॉक्टर कि मुझे वो अपने दोस्तों को देखते हुए अकाउंट्स में चला गया, ठीक है, हालांकि वो बहुत अच्छा जो है वो डॉक्टर बन सकता था, ठीक है, एक उसके अंदर है, ठीक है, तो वो किस तरह से काम करेगा, वो अब तो वो ये समझा कि मैं तो ACCA नहीं कर पा रहा, मैं तो ये चीज़ें ही नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो बाद के पहले सबसे पहले अपना मेंटोर देखो, ठीक है, और उस मेंटोर और फिर जो है अपना उसके जरिए अपना पोटेंशियल निकालें, क्या आपके अंदर क्या है, आपको अपना पोटेंशियल पता चलेगा कि हाँ मैं इस काम के लिए बनाऊँ, और हर अल्लाह पाक ने हर इंसान को कोई ना कोई सलाहियत दी है, ठीक है ना, उस सलाहियत को जाने, और वो सलाहियत बहुत से लोगों को खुद पता चल जाती है, ठीक है ना, और बहुत से लोगों को उसके लिए किसी ना किसी मेंटर की जरूरत पड़ती है, ठीक है, जो कि उनको बताता है कि भाई तुम तुम्हारे लिए ये चीज़ है और तुम ये कर सकते हो और ये बेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो डिफरेंट तरीके होते हैं, तो ये एक मेरा मशवरा लोगों से, खासतौर पर उन टीनेजर्स के लिए, उन
नए लोगों के लिए जो कि इस वक्त जो अपने आप को अपने आप को एक्सेल कर रहे हैं या उस वक्त बिल्कुल ग्रोइंग एज के अंदर हैं। तो क्योंकि ये चीज़ें स्टार्टिंग में ही करने वाली होती हैं, ना कि आप जो है कैरियर स्टार्ट करने के बाद जो है आप जो है उसके बाद में कहें तो बहुत टाइम निकल जाता है। तो पहले से करें ताकि एक एज में आगे किसी न किसी अच्छी पोजिशन में बैठे, ये एक छोटा सा मैसेज। माशाल्लाह आपने बड़ा अच्छा पैगाम दिया उमेर भाई, और यकीनन जो है हमारे सुनने और देखने वाले इस चीज़ से सीखेंगे और इस पर अमल करने की भी कोशिश करेंगे। उमेर भाई हमारा एक फाइनल क्वेश्चन होता है जिसमें हम लोग अपने मेहमानों से अपने शो मेरी कहानी के बारे में राय लेते हैं या मशवरे लेते हैं। आप कुछ बोलना चाहें हमारे इस शो मेरी कहानी इनिशिएटिव के बारे में? इस मेरी कहानी के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। उसकी वजह यह है कि वो तमाम लोग जो मैंने भी इस मेरी कहानी वाले पेज को देखा, उसके अंदर मैंने बहुत सारे लोगों को देखा जो कि माशाल्लाह से सक्सेसफुल हो चुके हैं बहुत कम एज के अंदर, और उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, ठीक है। तो उससे बहुत कुछ सीखने को मिला, क्योंकि ऐसी बहुत सी चीज़ें जो आप करना चाहते हैं कर नहीं पाते क्योंकि रास्ता नहीं मिलता, ठीक है। तो वो काम दूसरे लोग कर चुके होते हैं और करके आगे निकल चुके होते हैं, तो वो चीज़ आपको देखने को मिलती है कि वो सक्सेसफुल हो चुके हैं अपनी स्टोरी बताने। कोई आप कोई भी अपनी स्टोरी किसी भी ओपन प्लेटफॉर्म पे आके नहीं बताता, लेकिन ये मेरी कहानी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है और बात की एक ये कोशिश है जो कि लोगों से कॉन्टेक्ट करके लोग, ये भी एक हेल्प है लोगों के लिए, उन तमाम लोगों के लिए, खासतौर पर मेरी वाली मेरी बात जो कि जिनको मेंटर्स चाहिए, ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वो अपने आके मेंटर्स को ढूंढ सकते हैं, देख सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर डिफरेंट तबके से डिफरेंट तरह के डिफरेंट फील्ड के लोग आके अपना अपनी स्टोरी बताते हैं, अपना किस तरह से वो उठ के आए, किस तरह क्या क्या मुश्किल दरपेश आई, किस तरह से उन्होंने अपने आप को एक्सेल किया, अपनी फील्ड के अंदर अपने आप को एक्सेल किया, आगे बढ़े। तो अगर आप भी जो नए आने वाली जनरेशन में तमाम चीज़ें की, तो उनको पता चलेगा कि यार क्या क्या चीज़ें हैं, और अब जब उसको अपने आप से वो इवेल्यूएट करेंगे तो उनको खुद ही पता चल जाएगा। तो ये मेरी कहानी ही कहूँगा कि यार मेरी कहानी का जो ये पेज है खुद एक मेंटर है, सही है ना, ये खुद एक मेंटरशिप का एक प्लेटफॉर्म है। तो बस ये है मेरा रिव्यू इसके लिए। मैं भी बहुत शुक्रिया, यकीनन आपके अल्फाज जो है वो हमारे लिए बायस एजाज हैं, और आप जैसे लोगों ही की वजह से हमारा शो आगे बढ़ रहा है दिन ब दिन। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मजीद कुछ रह गया हो कुछ ऐसा जो आप शेयर ना कर पाए हूँ, बोलना चाहें, ऐड करना चाहें? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद उमेर अहमद भाई कि आपने हमारे शो के लिए टाइम निकाला। हम लोग इन फ्यूचर भी आपसे रब्ते में रहेंगे। एक बार दोबारा फिर से मैं अपनी तरफ से और अपनी टीम की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। Thank you.